अयोध्या के राम भक्तों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ और अयोध्या के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा सावन माह के बाद शुरू होने की संभावना है, जिससे भक्तों को अयोध्या के पवित्र स्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी। इस नई हेलीकॉप्टर सेवा की तैयारी सरयू होटल के पास स्थित हेलीपैड पर जोरों शोरों से चल रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार अयोध्या को धार्मिक और पर्यटन दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के सफल संचालन के 7 महीने बाद अब हेलीकॉप्टर की सेवा भी शुरू की जा रही है। ये सेवा श्रद्धालुओं को लखनऊ से अयोध्या और अयोध्या से लखनऊ तक यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे यात्रा का समय मात्र 20 से 25 मिनट में पूरा होगा। पर्यटन विभाग के अनुसार शुरू में एक ही हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध होगी। ये हेलीकॉप्टर लखनऊ के रमाबाई हेलीपैड से उड़ान भरेगा और अयोध्या के सरयू अतिथि गृह हेलीपैड के पास लैंड करेगा। प्रति व्यक्ति किराया लगभग 3,500 निर्धारित किया गया है। इस सेवा के शुरू होने से श्रद्धालु अयोध्या के मठ मंदिरों का दर्शन जल्द ही और आसानी से कर सकेंगे। पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आरपी यादव के अनुसार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को सौंपी गई है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और राज्य सरकार से मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है। अब बस एनओसी का इंतजार है, जिसके बाद ये सेवा चालू हो जाएगी। रामनगरी में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है। दो तरह की है, एक लखनऊ से अयोध्या हेलीकॉप्टर से लाने की है, एक लखनऊ से यहाँ लाने के बाद जॉय राइडिंग या अयोध्या भ्रमण हेलीकॉप्टर से कराने की है। ये दो तरह के चीज़ें हैं। इसमें जो है जिसको काम मिला हुआ है, ये जो एजेंसी तय हुई है उसके द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही है। सारी एनओसी लगभग प्राप्त कर ली गई है। पोर्टा केबिन वगैरह वो बनवा के जो है हेलीपैड के पास स्थापित कर रहे हैं। शीघ्र ही जो है ये सेवा प्रारंभ हो जाएगी। कहा जा रहा है सावन के बाद ये सेवा शुरू। हाँ, सावन में जो है एक तो बड़ी संख्या में यहाँ पर कांवरिया और राम भक्तों का जो है आवागमन है। इसके बाद ये सेवा जो है प्रारंभ हो जाएगी। एनओसी जैसे मिलेगी वैसे प्रारंभ हो जाएगी। किराया एजेंसी तय करेगी और अभी प्रारंभ होने के पहले वो अनाउंस करेगी, कोई कार्यक्रम करेगी और इसके बाद जो है वो कार्यक्रम शुरू होगा। एक स्थान यहाँ श्रद्धालु हवाई मार्ग से मठ मंदिर के दर्शन भी कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़ करके मठ मंदिर कर सकते हैं। अयोध्या वासी और अयोध्या के संत इस नई सुविधा को लेकर काफी उत्साहित हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस सुविधा की सराहना करते हुए कहा कि ये राम भक्तों के लिए एक बेहतरीन सुविधा है। मुख्यमंत्री की योजना के अनुसार अयोध्या में बनारस और प्रयागराज को भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोड़ने पर विचार चल रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को और भी बेहतर सुविधा मिल सके। इस नई हेलीकॉप्टर सेवा से न केवल यात्रा की सुविधा बढ़ेगी बल्कि अयोध्या के धार्मिक महत्व को भी और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम अयोध्या को न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।